लिसनर्स, आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आउटडोर एक्टिविटी करेंगे। तो आज हम बाहर निकल आए हैं, अपने खूबसूरत सा गार्डन आप देख रहे हैं। तो आज हम ये मैं आपको बताऊंगी कि गार्डनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, कि कितनी हेल्थी और कितनी अच्छी एक्टिविटी है। ये हमारे माइंड को भी फ्रेश करती है और जो हमारे यहाँ खुराक की कमी है उसे नहायत आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम फल उगाएँ, सब्जियाँ उगाएँ और ऑर्गेनिक और फ्रेश सब्जियाँ खाएँ, तो फिर हमें बहुत से तिब्बी और बड़े ही अच्छे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स इसके बेशुमार हैं। तो अब चूँकि सीज़न चल रहा है, आपको पता है हम ये जुलाई का मंथ है और ये बेस्ट टाइम है जिसमें कि हम मैंगो ट्री जो है वो उगा सकते हैं, मैंगो की प्लांटेशन हो सकती है, मैंगो उगा सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम मैंगो प्लांट को रेज कर सकते हैं। तो गार्डनिंग एक्टिविटी में मैं और मेरे हस्बैंड, जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं, वो भी मेरे साथ हैं और ये हम दोनों की म्यूचुअल इंटरेस्ट है, हम दोनों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आज आपको ये बताएंगे कि हम किस तरह से मैंगो प्लांट रेज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम आउटडोर एक्टिविटी में बाहर आए हुए हैं अपने लॉन के अंदर, और मैं आपको अब ये आने वाले ये आगे वीडियो में मैं बताऊँगा कि हमने जो प्लांट्स रेज किए, मैंगो प्लांट्स, वो किस तरह किए हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो मैंगो प्लांट है उसको आप किस तरह रेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसका सीड चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में एक इसमें इसकी ब्रीड का कोई मसला नहीं है। कोई भी ब्रीड लेंगे तो जो प्लांट है वो आप इजीली रेज कर सकते हैं। चौंसा जो है वो वैसे क्योंकि उसमें गुठली थोड़ी सी वज़नी होती है, उसका प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। तो जितनी बड़ी उसकी बीज होगा उतना बड़ा प्लांट जो है ना वो रेज हो सकेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें जो शेयर करने वाली है वो ये है कि जो भी आप लगाएंगे, जैसे चौंसा की अगर हम गेटक लगाते हैं या उसका सीड लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो चौंसा ही जो है ना वो उसमें से निकले। कोई क्योंकि ये कलम हुए होते हैं और उसमें से जो उसका मदर प्लांट है वो ही निकलता है, ठीक है, या और कोई डिफरेंट टाइप निकल आती है। अच्छा, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये आप आम जो है वो नॉर्मल तरीके से खाएं और इसकी गुठली जो है ना उसको आपने ज़ख्मी नहीं होने। और मैंने अच्छा रुकिए, देखिए आम खाते हुए अपने जज्बात पर काबू रखिएगा, आम खाते हुए इसकी गुठली मत चबाइएगा। वैसे आम तो गालिब की भी कमज़ोरी है, हाल ही ऐसा है, फरमाते हैं बहुत से हों और मीठे हों, लिहाजा इन्हें रेजिस्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गुठली ज़रूर बचाइए। चलें अब आप अपनी बात कीजिए। और इसमें ज़मीन में लगाने का तरीका ये है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई भी गार्डनिंग टूल, जैसे कि ये मेरे पास एक गार्डनिंग टूल है, तो आपके पास अगर ये नहीं भी अवेलेबल तो नाइफ़ से भी काम चल सकता है। तो हमने करना क्या होता है, इसको मिट्टी को हल्का सा आप उठाएं और ये जो सीड है हमारा मैंगो का, उसको आपने यहाँ पर जो है ना वो रख देना। वो कई दोस्त बहुत ज़्यादा डीप लगा देते हैं, डीप नहीं, इसे लगाना और हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है। बेशक ये ऊपर से नज़र भी आए कोई मसला नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जैसे कि आजकल जो मौसम है इसका, उसमें 3-4 दिन बाद या मैक्सिमम एक हफ्ते के बाद इसमें से जो है ना वो प्लांट निकल आएगा। और ये भी एहतियात करनी है, कुछ जानवर हैं वो इसकी पार्टी भी करते हैं। और ये जैसा कि मैंने 3-4 रोज़ पहले लगाया था और ये कुछ जानवर आए और उन्होंने इसको अच्छे से जो है ना वो दावत मनाई और उसका सीड खा गए। लेकिन मैं लकी रहा, मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए थे, उसमें से मैं अभी आपको शो भी करता हूँ, तो वो उगने में कामयाब हो गए। ये देखिए, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा होगा प्लांट, ये एक वीक पहले मैंने सीड लगाया था और उस सीड में से जो है ना वो प्लांट निकल आया। और सीड आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ये सामने आपको ये सीड ये नज़र आ रहा है, ठीक है, सीड बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो बड़ा खूबसूरत प्लांट जो है ना, वो इसके पहले पत्ते थोड़ा कलर उसका, ये देखिए ये भी
एक बड़ा मुन्ना सा प्लांट निकला है हमारा, इसका नाम हम रख देते हैं चंगेज़ नाम रख देते हैं, बड़ा ख़तरनाक नाम रखा है। देखते हैं चंगेज़ कैसा जो है ना वो प्लांट होता है। मैं आपको लेके चलता हूँ जो इसके ज़रा बड़े भाई हैं जो पहले निकले थे। ये देखिए ये प्लांट 2 वीक पहले की पोजीशन है और इसको 2 वीक्स अगो मैंने लगाया था और ये इसका जो है ना वो ग्रीन बन चुका हुआ है। साल का प्लांट है ये आप देख रहे हैं और इसके साथ ये लास्ट ईयर का प्लांट है। ये इसकी पहले जो पत्ते निकले वो स्टेज है और हैरानकुन ये बात है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही रहा बचपन से कि प्लांट ये जो आम के प्लांट हैं एक दफ़ा एक स्टेज पत्तों की निकालते हैं फिर अगले साल नेक्स्ट निकालते हैं, लेकिन ये आप अगर देखें ये प्लांट एक साल पहले लगाया था इसी मौसम में जुलाई अगस्त के अंदर ये पहली स्टेज इसने, उसके बाद फिर उसी साल एक और स्टेज दो, फिर ये एक और आपको नजर 3 स्टेजेस और ये 4 और ये 5 स्टेजेस इसने जो है ना वो गेन की और इस दफ़ा अभी तक ये जो इस सीज़न में यहाँ तक पहुँच चुका है और उसके बाद ये 2nd स्टेज के अंदर इसने अपने आप को फैला लिया और ये 1, 2, 3 और 4 इसकी जो है ना वो ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं। अभी देखते हैं ये भी जो है लास्ट ईयर का प्लांट है। इसका साइज़ ये आप देख रहे हैं मेरी फिंगर के कंपैरिजन में ये काफ़ी माशाल्लाह जो है ना इसका स्टेम वो मोटा हो चुका हुआ है। ठीक है ये देखिए ये भी माशाल्लाह उसी हाइट का जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया। ये अब चलते हैं एक और प्लांट की तरफ। ये प्लांट आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है गार्डनिंग जब आप करते हैं तो आप जब प्लांट देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आप जो है ना रिलीफ फील करते हैं। ये इसके साथ एक छोटा प्लांट बन रहा है, ये अभी तक इसकी पड़ी हुई है सीड है, ये देखिएगा ये प्यारा सा प्लांट, ये इंशाल्लाह ये भी एक दिन तनावर दरख्त बनेगा और मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और इसका फल ज़रूर खाएगा इंशाल्लाह। तो प्लांट लगाते हुए कभी भी ये ना सोचें कि मैं तो इधर थोड़ी देर हूँ तो फिर पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मुझे वो एक हदीस पाक याद आ रही है कि हज़रत पैगंबर सल्लम ने कहा कि जिसके हाथ में कुछ प्लांट है और वो अगर पता लग भी जाए कि क़यामत आ गई है तो फिर भी उसको लगाए ज़रूर। सो इस हदीस पाक की रोशनी में भी हमें ये जो है ना अमल वो करना है। ये देखिएगा इस दफ़ा का ये जो शूट है वो इस दफ़ा की निकली है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ये भी इधर भी निकल रही है तो ये पहले साल के अंदर तो थोड़ा सा स्टेबल होता है, दूसरे साल में फिर ये अपनी रूट्स निकालता है। ये प्लांट के मुतालिक फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अब हम देखते हैं ये जो लास्ट टाइम लगाया था ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे तंदुरुस्त जो प्लांट है वो ये वाला है मेरा। ये जनाब क्यों है ऐसा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जो इसको सनलाइट है वो पूरी मिली, पानी पूरा मिला और ये प्लांट ये सबसे ज़्यादा हाइट है ऑलमोस्ट 4। ये देखिएगा ये अगर आप कंपैरिजन करें जो मेरी फिंगर है उसके मुकाबले में इसका स्टेम जो है ना, पहले भी मैंने आपको दूसरा भी दिखाया था लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने गुटली लगाई इधर थी, ठीक है, इसको भी शिफ्ट नहीं किया था मैंने। तो ये अगले साल इंशाल्लाह इसको कलम करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। ये साथ में जो है लेमन ग्रास है, ठीक है, ये भी आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसी तरह सिट्रस के प्लांट्स हैं ये रेस किए हैं, इन पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे। लगाया गया था इधर तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उन्होंने ये रेस किया था और इसका वो तो फ़ायदा नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूँ। इसी तरह जब मेरे प्लांट हो जाएंगे शायद मैं तो नहीं लेकिन कोई और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा और मैं आपको एक गार्डन में लेके जाऊंगा कि 4 years back आई वॉज समवेयर एल्स, तो वहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स रेज किए थे और उसका माशाल्लाह फल भी अभी लगा हुआ है। तो जो भी दोस्त वहाँ पर हैं वो मुझे खुशी होती है वो उसको यूज़ करेंगे खाएंगे और उनके बच्चे खाएंगे,
और आई विल फील प्लेयर एंड आई विल फील प्राउड. टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, प्लांट्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए और खूबसूरत बनाइए अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने सिटी को, अपने मुल्क को, पूरी दुनिया को. और इस दुआ के साथ कि आप खुश रहें और शाद रहें, आबाद रहें, मेरी तरफ से व्यूअर्स इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत रहती है. अपने कमेंट्स दीजिएगा और लाइक कीजिएगा. इसके साथ ही फैज़ा मसूद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.